हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची चौधरी व्लॉग्स। तो गाइज, आज है 31 दिसंबर 2023, लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। तो आज हम सब जा रहे हैं घूमने, क्योंकि कल किसी का भी ऑफ नहीं है, मतलब मेरा तो नहीं है, और पता नहीं भाई का हो, पापा का हो या नहीं। तो हम सब नहीं, बस मैं, मम्मी और मेरी भाभी जा रही है हम घूमने। तो हमने सोचा आज घूम लेते हैं और कल फिर ये अपना घूम लेंगे, क्योंकि हमें अभी हमारी एक कमिंग ट्रिप भी आ रही है, जैसे आप सबको तो पता ही होगा। तो फिर आज हम सब जा रहे हैं एडवेंचर पार्क, और हमने तीन जगह सोचा था जाने की। एडवेंचर पार्क तीन जगह हमें मिला था, एक मयूर विहार, एक रोहिणी, एक गुड़गांव। तो हमने देखा हमारे घर से नियर बाय सबसे ज्यादा पड़ता है गुड़गांव वाला, तो इसलिए हम जा रहे हैं गुड़गांव वाले में ही। तो रस्ते में चलते हुए आपसे मिलते हैं। बाकी रेडी मैं हो गई हूँ, मैंने ये स्वेटर पहना है, इसके ऊपर मैं पहनूंगी जैकेट, क्योंकि ठंड लगी तो जैकेट वेयर कर लो, और वार्मर भी पहना हुआ है। पूरी तैयारी के साथ जाएंगे हम ठंड की, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे अभी मम्मी और भाभी रेडी हो रही है, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी का लुक दिखाना, मम्मी का लुक मैं तब दिखाऊंगी जब मम्मी पूरी रेडी हो जाएगी। मम्मी रेडी नहीं हुई नहीं, मैं पूरी रेडी हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी आप रेडी हो, तो रेडी होने के बाद फिर मैं मम्मी का लुक दिखाऊंगी गाइस। ठीक है लो गाइस, मम्मी का लुक ही देख लो, अब परेशान हो रही है। लेटो तो लो, परेशान हो रही है। चलो हैप्पी न्यू ईयर के बोल दो बच्चो। अच्छा आज क्या करने वाले हो तुम रात में? पार्टी करेंगे। पार्टी करोगे? और तू क्या करेगा शिवाय? नहा लियो आज तो। नहीं कल नहा लियो। ट्रेजेडी ट्रेजेडी, पता नहीं किसने ये गाड़ी खड़ी कर दी, हमारे पीछे खड़ी है। अब हम वेट कर रहे हैं ये निकाले कोई, फिर हम जाए। हम सोचते हैं ना कुछ अच्छा हो। आज हमने इतने भाग भाग के काम किया और हमें नतीजा क्या मिला? हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने अभी आपको दिखाया, और वो गया हुआ है कहीं, वो आ रहा है 10 मिनट में। हम वैसे ही कहीं जाने के लिए लेट हो जाते, ऊपर से ये सब स्याप्पे हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्यों। और ये ना पीछे बैठी हुई है शर्मा शर्मू के मुंह पे टॉर्च मार के, मेरा मेरा मूड खराब हो रहा है। हम बैठे हुए गाड़ी में कि कब आए गाड़ी निकाले और हम जाएं, पता नहीं कहाँ चला गया वो। एंड गाइस आज मैंने ब्लश लगाया, देखो मैं थोड़ी देर में व्लॉग स्टार्ट करूंगी, तुम्हारी चल जाएगी। अब इनका भी एक व्लॉग आएगा बहुत जन्मों के बाद, तो इनका व्लॉग देख लेना, जो तड़पती हैं इनको देखने के लिए, इनका व्लॉग को देखने के लिए प्लीज देख लेना। और प्रैंक वीडियो मत बोलो मुझे बनाने के लिए, मेरे बस की नहीं है, मेरी हंसी आती है, मुझे नहीं बना सकती मैं प्रैंक वीडियो, तो मुझे मत बोलो प्लीज। ड्रामा का रैली पहुंच गए गुड़गांव बहुत जद्दोजहद के बाद, अभी भी नहीं पहुंचे, अभी 18 मिनट का रास्ता दिख रहा है। तो आपसे पहुंच के बात करते हैं फिर आगे, फिर दिखाती हूँ आपको कैसा है। ठंड हो गई है और 18 मिनट यहाँ पे दिखा रहा है, अब हम पहुंच जाते हैं। इन मैम को देखो क्यूटी बन गई है, यहाँ क्यूटी पाए। हम डलवा रहे पेट्रोल, क्योंकि हमें नियर बाय मिल गया पेट्रोल, तो पेट्रोल डलवा के बस अब यहाँ से 1 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। लेट तो हम काफी हो ही गए, पर मेरे बाद देखना क्या रहता है, उनके बाद कैसे हो गए। Guys, we have finally entered into adventure park. मम्मी कह रही यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अब देखो हम घुस तो गए, तो देखने में तो ऐसा है, अब देखो कितनी मौज मस्ती आती है अंदर घुसते हैं। 5 बजे तक की टाइम, 10 to 5, बट और वैसे तो चलो हमारे बंद गया है ये। तो ये है एंटर करती हुई जगह एडवेंचर, हमने बाहर से लिया है ना। मम्मी ठंड लग रही है, मम्मी कह रही है यहाँ तो कोई नहीं है, वो कह रहे हैं अभी कुछ गेस्ट गए हैं एडवेंचर पार्क। फाइनली हम एंटर हो चुके हैं, इतना सुंदर लग रहा है। और पता है ठंड में आने के लिए तो बहुत अच्छा है, 650 फीस है और खाली है, मतलब तो बहुत लिमिटेड लोग हैं, बट वो चीज़ सही है ना, हम आराम से राइड करेंगे सारे। पर ठंड लग रही है, साइकिलिंग ठंड लग रही है गुड़गांव सेक्टर 68 के पास है, यहाँ पे कैमल राइड वगैरह भी है, मैं दिखाती हूँ। देखो गाइस मम्मी को, चलो मम्मी चलो, हाँ ऐसे चलो, सही से डाल लो स्टॉल, गिरे ना। हाँ चलो 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 गाइस, देखो मुझे तो डर लग रहा था, अभी मम्मी को देखो उसमें एक सिंगल सिंगल पे। यहाँ मम्मी ने डाल दिया थी यार, अब उतरेंगे ऐसे, टाइम तो दे रहे प्रॉपर। गाइस मेरे हाथों में ना दर्द होने लगा, पता चढ़ के हाथों से मेरे तो हाथ उसमें ऊपर चढ़ के नीचे गिरी मैं, ये चढ़ कर रह जाओ।
हालत खराब वाला कि आपने हाँ वो वाला सरसों है ये। अच्छा खतरनाक बाइक मजा आ रहा है चलाने, बाइक बहुत मजा आ रहा है चलाने, इतना मजा आया बहुत 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 मजा आया, बहुत मजा भी आ रहा है यहाँ पे, कुछ एडवेंचर्स करने को मिल रहा है। हाँ घूमना फिरना तो हमेशा रहता है, मार्केट हमेशा जाना होता है, ये कुछ एडवेंचर्स है। मम्मी मम्मी तेजी आ रही है, मम्मी अकेले बाइक चला रही है। भाभी को देखे ना वही अटकली जो ज्यादा ये शॉप से इसके तो तारे बाल मुड़ रहे थे, तुम समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी ने इतनी गजब चलाई मजा ही मान दिया मम्मी ने तो। और इनको देखो उनकी हालत खराब हो रही है, कंधे में गई है। आओगे मैं ऐसे नहीं होगा वो आपके जितना गुस्सा हो निकाल दो। हेलो कौन आए बहुत जोर से लगी है मेरे हमें चलाना है इसमें क्या होगा कौन आए मर्ज इसे कमजोर लॉक को बदलो आए भाई मदर इन लॉ जिन्होंने एक्टिविटी की नहीं हो वहाँ पे तो जाके देखो ना चोट बाकी चाय हम पी रहे हैं चाय और इतना मजा आ रहा है यहाँ पे। पहले तो हमें ऐसा लगा कि क्या होगा क्या नहीं, पर अब बहुत मजा आ रहा है। अच्छा और वो मिलेगा ना स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब हमें इतनी हेल्प करे हर एक झूले के लिए। एक अब तो मेरी लग भी गई, मैं बहुत तेज लगी घुटने में, बट ठीक है मजा तो आ ही रहा है बहुत ज्यादा। चाय ऊपर ही ना आ जाए। अच्छा वो काफी वो है ना, रिस्की है ना, इसलिए शायद। ओह यार नेक्स्ट मॉमी गो कर दूं अभी, वेट करो तीनों एक साथ जाना। चलो भाई तुम भी चलो, तो क्लिप कौन बनाएगा ना, मेरे को दिखाओ ना। अब हम उसे प्लाइंग करिए, बोलो तो बात। अब हम जाएंगे इस ऊपर। गाइस जो जिपलाइन है ना ये 250 मीटर पूरे डेली इंसान में सबसे लंबा है, तो ये बात हमें पता चली है। अब हम जा रहे हैं टॉप पे चलते हैं। क्या होगा इसमें? कुछ नहीं मम्मी, बस आपको पकड़े रखना, आप वहां तक जाओगे, वो बैठे ना उधर देखो दूसरे उस कोने पे, कुछ नहीं करना, बस इसको पकड़ के रखना। हाँ मेरी क्लिप कौन बनाई गई भैया? अच्छा हाँ गाड़ी तो हमसे आगे नहीं, यहाँ का कुछ भी कहो व्यू बहुत प्यारा है। बता
हमारी यहाँ मम्मा आगे जा रही है और ये भी जा रही है, तो अभी देखते हैं। तो मैं डबल काम साथ में कर लेती हूँ, मेरा पर्सनल टैलेंट है ये। तो ये दोनों लगे पड़े हैं लच्ची करना क्या है सर। अरे हमें खींचोगे क्या? हम ऐसे करेंगे, नहीं हमें ऐसे जाना है। यहाँ पे ये चाहिए। लो अब हम ने कर लिए डांस शांस, हम थक गए, अब हम जा रहे हैं एक लास्ट राइड करने, उसके बाद फिर हम घर चलेंगे। ठीक है, पहले वो लास्ट राइड करें उसके बाद चलते हम लास्ट। इस पे जाएंगे, इस पे डर लगता है, इस पे क्या डर लगेगा वैसे, इसे साइकिल हमें खुद चलानी है। मम्मी कर रही है साइकिल एक्टिविटी। पैंडल मारो, पैंडल मारो, पैंडल मारो, पैंडल मारो, सही से मारो पैंडल। इस पर राजू लिखा हुआ है, राजू इसका नाम राजू है। अंदर इधर से देख, राजू दिख रहा है ना। ये अपने दोस्त को तो नहीं ढूंढ रही है, एक चांस हो गई मेरे दोस्त। थैंक यू फॉर विजिटिंग अगेन। बहुत मजेदार। इतना मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया हमें। मतलब एक तो सबसे अच्छी बात की, मतलब ज्यादा लोग नहीं थे तो हमने सारी एक्टिविटी करी, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत बहुत सपोर्टिव था, हेल्पफुल था हर चीज के लिए। तो मतलब हम आए थे 2:30 बजे करीब हम आए थे और हमें बज गए 5:30। बहुत सारी एक्टिविटी करी और मतलब इंजॉय था, खूब इंजॉय हमने किया। हमें एक्सपेक्टेशंस मतलब कम थी कि क्या पता ना मजा आया जो भी, बट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत 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 ज़्यादा ही मज़ा आया हमें यहाँ पे। और आप भी आ सकते हो, गुड़गांव में है ये, सेक्टर 68 में है आई गेस ये एडवेंचर पार्क, और 650 रुपीज़ की इसकी टिकट रहेगी। बाकी आपको मतलब फूड नहीं मिलता है यहाँ पे, मतलब उस दिन मिलेगा जिस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मतलब ऐसे ही कुछ बताया था कि मतलब जब ज़्यादा लोग होते हैं तभी कैंटीन चलती है, और खा पी के भी कमी आना, क्योंकि क्या होता है थोड़ा राइड्स करते हैं ना हम, तो उसमें अगर जैसे आप ज़्यादा खा पी के आते हो तो आपको वॉमिटिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो आपसे मिलते हैं रास्ते में। सबसे पहले खाते हैं कुछ, भूख लग रही है बहुत तेज़, और अभी मम्मी और भाभी आने वाली हैं, तो हमारे चेहरों से आपको पता चल ही गया होगा, बस थक गए हैं थोड़ा क्योंकि बहुत सारी हमने राइड्स वगैरह की हैं, बट बहुत ही मस्त था और मैं तो दोबारा जरूर आऊंगी यहाँ पे। इसलिए हमें बांधा था येलो कलर का पट्टा, अब हम इसे उतार देंगे। अब हम जा रहे हैं और पीछे ना इतनी धुंध सी जम रही, पहले से क्लीन कर देते हैं उसके बाद निकलते हैं। बहुत तेज धूप, तो हम आ गए मैगडी, मैंने नियर बाय मैगडी देखा, सिर्फ 8 मिनट के रास्ते पे मैगडी था। भूख के रहते ही करी है सब कुछ एक्टिविटीज। मम्मी तो खतरों के खिलाड़ी बनी हुई थी, ऊपर चढ़ी पड़ी थी, गिर जाती ना, जबकि मेरे को डर लगता है ऊंचाई से, पर ये ना थोड़ा दुख रहा है। पहले हमें ऐसा फील होगी कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें ये लगा वहाँ पे कोई भी नहीं है, हम ही करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था ना बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा था। हमें ना एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि हम कहीं अनजान कहीं ऐसे है ना, हमें पहले ऐसे लगा ओ हम सब गर्ल्स ये वो, फिर बट फिर अंदर जाने के बाद फिर अलग लगा कि हाँ नहीं सपोर्टिव थे। आप बताओ कैसा लगा? स्टाफ इज सो कोऑपरेटिव, बहुत बहुत सही था। हमने फर्स्ट टाइम कोई स्टाफ देखा, बहुत अच्छा। और मजे की बात, वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी, हम अकेले ही थे, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ कि हम ऐसे
और ना इसी वजह से ना हम एक एक मतलब जो क्या थी एक्टिविटी थी ना उसे वो टू टू थ्री टाइम्स भी इजीली करवा रहे थे आराम से। एक्टिविटीज खूब अच्छी तरह कराई उन्होंने बता के, हमें मतलब डरने लगने दिया बिल्कुल भी, जहाँ जहाँ डरे वहाँ वहाँ उन्होंने समझाया नहीं मैम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। चलो पहले खा पी लेते फिर मिलते हैं आपसे, आगे खा ले क्या गाड़ी में बैठ के खाए। तो अब हम पैक तो करा लिए, अंदर जाते हैं फटाफट खाते हैं, भूख लग रही है पहले। अब हम खाते हैं पेट पूजा करते हैं फिर आपसे। मेरा खाने की कोई जवाब नहीं और मम्मी ठंडा नहीं है, ठंडा है हल्का ठंडा है, घर जाकर दवाई दे दी। झूठ नहीं बोलो, कह रहे घर जाके दवाई दे दियो। हम न्यू ईयर पे तो कहीं घूम नहीं पाएंगे इसलिए आज हम आज ही घूम गए, बाकी ठीक है देखते हैं अब नया साल कैसा आता है। ये साल तो बहुत ऐसा ही था, मतलब अच्छा नहीं था, गंदा था, मतलब हमने दो लोगों को तो लूज़ किया इस साल अपने फैमिली मेम्बर्स में, मौसा जी को और मेरे परदादा। बट ठीक है, अब लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूव ऑन। बाकी हम चलते हैं घर की तरफ, फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। मैं चख लेती हूँ, मैकडी से तो निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो मेरा हिस्सा देखो कैसा लग रहा है, तो अभी जस्ट हम कुछ लेने के लिए रुके हुए हैं, तो उसके बाद लेट के ही हम सीधा घर चले जाएंगे। तो आपसे मिलती हूँ थोड़े रास्ते में मैं, ठीक है। हम आ गए घर बहुत 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 बस्ती के बाद और थक गए हैं बहुत ज्यादा, थक गए हैं बहुत ज्यादा, मजा आया। तो मैं आपसे चेंज वेंज करके मिलती हूँ, बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और देखो घर पे हूँ और मेरे पार्सल्स ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और मेरे सारे पार्सल्स आज मेरे भाई ने रिसीव करे हैं, तो मेरे दो पार्सल्स आए हुए थे, तो इसको भी मैं अनबॉक्स करूँगी, मैं दिखाऊंगी क्या क्या आया है, ठीक है। तो बाकी बहुत मज़ेदार था, आप भी ज़रूर जाना, जो जो नहीं गया तो ज़रूर जाना। तो ग्लाइज कह रही हूँ, तो मैं ना ये व्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप मेरा आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, और आई होप आप सबका जो आने वाला साल बहुत बहुत अच्छा रहे। जिसे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन दबा दिया करो ताकि जैसे जैसे मेरे व्लॉग आए आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और अब आने वाले टाइम पे तो बहुत ज़्यादा व्लॉग्स आने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे ट्रिप्स फंक्शंस वगैरह घर में आ रहे हैं। तो स्टे ट्यून, बाय।